सब्सक्राइब कीजिए टेक्निकल अजहर चैनल को और साथ में लगा बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए हम आज का ये टॉपिक शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टेक्निकल अजहर चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड। तो जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें लेनोवो केट प्राइस का 5 सितंबर अपडेट का रिव्यू किया था, तो उसमें बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे थे कि वहाँ पे जो मुझे बैटरी नहीं चल रहा है और जो उनका बैटरी काफ़ी हद तक वहाँ पर ड्रेन कर रहा है। लेकिन आप लोग सोच रहे हैं कि इस सितंबर अपडेट आने के बाद ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हो रहा यार। जो कि मेरे फ़ोन में बैटरी बिल्कुल आपको अच्छे चल रहे हैं और मुझे इसमें कोई भी प्रॉब्लम होने वाली नहीं है, नहीं कोई प्रॉब्लम हो रही है। तो बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि मुझे बहुत बैटरी ड्रेन कर रही थी, इसलिए सोचा कि मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं। तो मैंने उस वीडियो में कहा था कि जैसे ही मुझे उस वीडियो पर आप लोग 50 लाइक कर दोगे तो मैं एक कैमरा का और एक यहाँ पे बैटरी का दोनों के एक रिव्यू वीडियो बनाऊंगा। लेकिन कैमरा में कुछ ज़्यादा फीचर्स या कुछ ज़्यादा बग्स यहाँ पे मिल गए हैं, इसलिए सोचिए कैमरा की एक अलग वीडियो बनाऊंगा। तो फिलहाल जो इस वीडियो में बताऊँगा कि आपको लेनोवो केट प्लस फोन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो इसमें आपको काफ़ी हद तक वहाँ पर बैटरी आपको ड्रेन कर रही, तो कैसे यहाँ पर आपको सॉल्व करना है, उसे कैसे बचाना है। तो इसलिए मैं आज आपके लिए कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स लाया हूँ जिससे अगर आप उसे यूज कर लेंगे तो आपको जो बैटरी होंगे काफ़ी हद तक हमें बचेंगे, जो कि लेनोवो केट प्लस की मैं बात कर रहा हूँ फ्रेंड। तो फटाफट से इस वीडियो पर 50 लाइक कर दो यार, क्योंकि इस वीडियो को मैं 50 लाइक टारगेट रखता हूँ। जैसे इस पर आप 50 लाइक कंप्लीट कर देते हो, उसके 2-3 दिन बाद मैं एक कैमरा का डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा आपके लिए। तो चलिए फटाफट से आज का वीडियो शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दो फ्रेंड। तो फ्रेंड इस वीडियो में मैं आपके लिए कुछ टिप्स और कुछ ट्रिक्स लेकर आया हूँ। तो सबसे पहले कुछ टिप्स की बात करें तो फ्रेंड सबसे पहले टिप्स की बात करें तो जो आप मोबाइल को चार्ज करते हैं तो सबसे पहले आप ओरिजिनल चार्जर एंड ओरिजिनल डाटा केबल से चार्ज करें। आप कोई भी थर्ड पार्टी जाके बाजार से लेके उसे चार्ज मत करें, उससे आपकी बैटरी काफ़ी हद तक वहाँ पे नुकसान हो सकती है और आपके फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ड्रेन करेगी। तो बिल्कुल आप ऐसा नहीं करें, आप बिल्कुल ओरिजिनल से ही चार्ज करें। सेकेंड टिप्स की बात करें तो जो आपके ब्राइटनेस होते हैं, जो एडाप्टेड ब्राइटनेस होते हैं, जो बिल्कुल आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली रखना है। जैसे कि मैं आपको डिस्प्ले में जाता हूँ और यहाँ जो ब्राइटनेस आप देख सकते हैं जो कि एडाप्टेड ब्राइटनेस यहाँ पे बिल्कुल ऑन है, तो इसे आपको हमेशा ऑन ही रखना है, क्योंकि इसे ऑन रखेंगे तो आपको बैटरी काफ़ी हद तक बचेगी और आपको जो मैनेज करेगी आपको बैटरी को काफ़ी हद तक मैनेज करेगी फ्रेंड। नेक्स्ट टिप्स की बात करें तो आपको जो एक बैटरी सेफर इसमें आपको सेटिंग होता है, सेटिंग जैसे ही जाते हैं फ्रेंड तो यहाँ पर एक बैटरी का ऑप्शन आएगा, उसमें आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर जो कि बैटरी सेवर का एक ऑप्शन दिखे फिर ये क्या होता है। मान लो क्या फोन चला रहे हो यार, उसके बाद आपको 12% चार्ज हो गया, 10% चार्ज हो गया, तो यहाँ पे ये ऑफ रहेंगे तो क्या होगा कि आपको आपको समझ में नहीं आएगा 10% चार्ज हो जाएगा, उसमें आप फोन को यूज करते हो एक बैक आपका फोन वहाँ पे ऑफ हो जाएगा। लेकिन फिर अगर आपको यहाँ पे जाना है, यहाँ पे आने के बाद आपको सिंपली यहाँ पर 15% पे आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। 15% आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे यार तो जैसे ही आपको फोन वहाँ पे 15% चार्ज हो जाएगा तो आपको जो जो आपका मोबाइल रहेगा वहाँ पर आपको बैटरी सेवर एप्लीकेशन में आपको इनेबल हो जाएगा। चलिए टिप्स थे कुछ, अब चलिए ट्रिक की बात कर ले जो कि आपको, तो ट्रिक की बात करो तो आपको यहाँ पे एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने की जरूरत है। अब आप सोच रहे हो कि एप्लीकेशन डाउनलोड करने की क्या जरूरत है यार, क्या लैंड फोन ये बतला रहा है। लेकिन आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करते ही आपको मुश्किल से आपको 1 मिनट रखना, उसके बाद आपको तोते उसको आपको अनइंस्टॉल कर देना है। तो उस एप्लीकेशन का नाम है क्लीन मास्टर। तो क्लीन मास्टर में जैसे अब आपको ओपन करना है फिर आपको इस एप्लीकेशन को रखना ही, आपको वहाँ पर तो अनइंस्टॉल कर देना है। तो सिंपली आपको वहाँ पर ओपन कर देना है फिर ये एप्लीकेशन आपको क्या करेगा यार, मैं आपको भी बता देता हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे आएंगे तो आप एक ऑप्शन देख रहे हैं जो कि लिखा हुआ कि बैटरी सेवर, तो ये क्या करेगा। मान लो कि आपके फ़ोन में 10 एप्लीकेशन यहाँ पे रन कर रहे हैं तो 10 एप्लीकेशन में से 5 एप्लीकेशन ऐसे होते हैं जो कि बैटरी काफ़ी खपत करते हैं और बैटरी का जो स्टोरेज होते हैं, जो बैटरी की मात्राएँ होते हैं काफ़ी हद तक ली हुई रहती है, जिससे बैटरी ड्रेन होते रहती है आपको समझ में नहीं आती है। तो यहाँ पर ये बैटरी सेवर जाके क्या करेगा, उस सभी को वहाँ पे खोज के आपको एनालाइजिस करके दिखाएगा कि आपको बताया कि आपको ये सब एप्लीकेशन जो आपको काफ़ी हद तक बैटरी ड्रेन कर रही है, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पर दिखा रहा कि जो ये सब एप्लीकेशन है काफ़ी हद तक यहाँ पर बैटरी आपको ड्रेन कर रही है। तो ये सब एप्लीकेशन को आप यहाँ से क्या करेंगे, सबको ऑप्टोमाइज करेंगे, यानी कि जो जो एप्लीकेशन आपको यहाँ पर शो कर रही है सभी को आप इसमें टिक आउट करके आप यहाँ पर आसानी से ऑप्टोमाइज कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऑप्टोमाइज करेंगे तो जो जो आपको जो ये सब एप्लीकेशन आपको बैटरी की जो पावर को ज़्यादा खींच रही है ऑप्टोमाइज आप कर देंगे तो वहाँ पर आपको बैटरी की पावर को कम खींचेगी, इससे जो आपको बैटरी ड्रेनिंग प्रॉब्लम होगा उससे आपको छुटकारा मिल जाएगा फ्रेंड। तो सिंपली आपको इसी पर टिक आउट कर देना, जितने एप्लीकेशन आपको यहाँ पर दिखेंगे सभी को आपको यहाँ पर टिक आउट कर देना फ्रेंड।
इससे आपको काफ़ी हद तक बैटरी बचत होगी। बिल्कुल अब मैं अपना खुद का एक्सपेरिमेंट बता रहा हूँ आपको। तो ये सब करने के बाद आपको सिंपली नीचे कर देना है फ्रेंड्स। फ्रेंड यहाँ पर थोड़ा सा आपको यहाँ जो बैटरी सेवर है यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से काम करेगा, जो सभी को आपको पावर जो एप्लीकेशन आपको बैटरी का पावर लिए हुए था सभी को आपको यहाँ पर ऑप्टोमाइज़ करेगा। ऑप्टोमाइज़ करने के बाद आपको यहाँ पर एक रिजल्ट दे देगा, जैसे कि रिजल्ट आने वाला है फ्रेंड। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर बिल्कुल आ गया है। और फिर से मैं चेक करता हूँ यहाँ पे तो क्या लिखता है, जो कि लिख रहा है आपकी बैटरी स्टेटस इज गुड, यानी कि जो आपका बैटरी का परफॉर्मेंस यहाँ पे बिल्कुल गुड है। अगर नीचे आप पढ़ेंगे तो लिख रहा है कि कॉन्ग्रेचुलेसन नो ऐप्स आर ड्रेनिंग बैटरी, यानी कि आप कोई भी एप्लीकेशन नहीं बचा जो आपको बैटरी को ड्रेन करेगा। तो फ्रेंड ये थोड़ा सा आपको इसमें काम करना था, उसके बाद आपको सिंपली जाना है और इसे अनइंस्टॉल कर देना है। और हम नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो कौन सी है फ्रेंड, ध्यान से सुनना यार, मैं बिल्कुल यहाँ पर 100% अपने खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो सेकंड ट्रिक है, मान लो फ्रेंड अब मेरा बैटरी 34% है, मेरा बैटरी है, मान लो कि आपका 20% होगा, 50% होगा, 40% होगा, तो आपको करना क्या है फ्रेंड, आपको अपनी बैटरी को 15% तक ला देना है। यानी जितना भी चार्ज हो यार आपको चला चला के आपको 15% तक लाना है। उसके बाद फ्रेंड आपको क्या करना है, सिंपली अपने फ़ोन को ऑफ़ कर देना है। जैसे आपको 15% वहाँ पर चार्ज हो जाएंगे अपने फ़ोन को ऑफ़ करना, ऑफ़ करने के बाद आपको सिंपली चार्ज में लगा देना है। आपको ऑफ रहने ही में आपको चार्ज लगाना है, आपको स्विच ऑन को चार्ज नहीं लगाना है, आपको स्विच ऑफ ही में चार्ज लगाना है। चार्ज में लगाने के बाद आपको पक्का 100% चार्ज करना है। ये नहीं कि फ्रेंड 100% चार्ज में लगा दें, जैसे 100% चार्ज हो जाए आप सोचोगे 10 मिनट और रहने दे यार और काफ़ी बैटरी चलेगा, लेकिन आपको ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जैसे वहाँ पर 99% होगा आपको वहीं पर रहना है, और 100% होते ही आपको चार्ज से रिमूव करना, फोन को स्विच को ऑन कर देना है फ्रेंड। स्विच को ऑन करेंगे तो उस दिन अगर आप फोन चलाएंगे तो काफी हद तक आपको बैटरी बचत होगी। जो जो मैं ट्रिक जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे आपको करना है। तो उस दिन अगर आप फोन खोलोगे तो आपको बैटरी काफी हद तक चलेगी फ्रेंड। उसके बाद आपको नेक्स्ट डे क्या करना है, नेक्स्ट डे आपको सिंपली वहां पर 95% चार्ज करना है। आपको 100% सिर्फ एक ही दिन चार्ज करना है, बाकी आपको नेक्स्ट डे, फिर उसके बाद नेक्स्ट डे, उसके बाद नेक्स्ट डे, यानी कि हर एक दिन आपको 95% चार्ज करना है। उसके बाद आपको हर तीसरे दिन या तो हर चौथे दिन आपको जैसे 95% चार्ज हो जाएगा, 95% चार्ज होते ही आपको फिर स्विच ऑन में चार्ज करना है। यानी जो कि पहला दिन उसी दिन आपको स्विच ऑफ करके चार्ज करना है, उसके बाद बाकी दिन आपको स्विच ऑन करके चार्ज करना है। तो 3 या 4 दिन पर चार्ज में लगाने के बाद 95% जैसे हो जाएगा वहाँ पर आपने फ़ोन को एक बार रिबूट कर देना है, इससे बैटरी आपको काफ़ी हद तक बचेगी फ्रेंड। मैंने ये सब खुद अपने एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो फ्रेंड मैंने जो ये बताया है बिल्कुल आपको 100% वर्क करेगी। आप प्लीज़ इसे ट्रिक को अपना कर देखो, इस टिप्स को अपना कर देखो, आपको 100% यहाँ पर काम करेगी। तो फिर नेक्स्ट ट्रिक की बात करें तो आते हैं यहाँ पर डेवलपर ऑप्शन में, यानी कि आपको बैटरी एकदम यहाँ पर बिल्कुल कम खाएगी यार। मैं जैसे अपना खुद का एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। तो आपको नीचे जाना है, आपको यहाँ पर जो एक रिक्टर स्केल होते हैं वो सभी लोग जानते हैं, सिंपली आपको वहाँ पर ऑफ़ कर देना है यार। जैसे कि आप देख सकते हैं एनिमेशन स्केल है, तो तीनों को आपको ऑफ कर देना, ये सभी लोग जानते हैं। तो इसको तीनों को ऑफ करेंगे तो आपको बैटरी काफ़ी हद तक और बचेगी यार। तो बस फ्रेंड इस वीडियो में आज आपको यही बताने वाला था, जल्दी से इस पे 50 लाख ठोको और उसके बाद नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करो जिसमें मैं कैमरा का फीचर्स एंड उसके बैग्स के बारे में बात करूँगा। तो फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, फिर मिलेंगे हम आपके साथ एक अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड थैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो को देखने के लिए।